मैं शेखर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से। हाँ, मैं पहला लड़का हूँ अंडमान से सोलो बाइक राइड में निकला हूँ। मैं लेह लद्दाख को टच कर वापस आ रहा हूँ, अभी आंध्रा पहुँचूँगा। तो ये उड़ीसा बॉर्डर में आते हुए मैं महात्मा गांधी जी का माला चढ़ाई और उनको नमस्ते करें। और मेरा मेन उद्देश्य ये था लद्दाख राइड का और ओवरऑल इंडिया घूमने का, क्योंकि हमारा भारत में 1947 में देश आज़ादी हुआ है, तो सभी लोग तिरंगा उस दिन को मनाया जाता है, सभी लोग उस दिन तिरंगा चढ़ाते हैं। लेकिन एक्चुअल में महात्मा गांधी जी, श्री सुभाष चंद्र बोस जी, इन्होंने काफ़ी हद तक हमें फ्रीडम दिलाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए काला पानी सजा हुई थी अंडमान में। ओवरऑल स्टेट से जितने भी आवाज़ उठाते थे आज़ादी के लिए, उनको काला पानी का सजा हमें भेज दिया जाता है। तो उसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 दिसंबर 30 वहाँ पे फर्स्ट फ्लैग होस्टिंग हुआ था। हमारा देश 1943 में फ्लैग होस्टेड हो चुका था, देश आज़ाद हो चुकी थी। कुछ कारणवश 1947 घोषित किया गया। और ये मैसेज, और मैं ये देखने चला कि हमारा महान पुरुषों ने हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए इतना बल जो दिए हैं, और हमारे लोग किस तरह व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन सारा स्टेट और सारा यूट्यूब में हमारा देश के सारे निवासी बहुत ही सुंदर स्वच्छ भारत को बनाए रखे हैं और शांति बनाए रखे हैं। कौन उच्छेद बताइए? नहीं, आम देखु जे भारत जड़े छत हो कि से युवक हो, से गोटे शांतिर बार्ता नहीं आस लदाख आई भारत शांति फेर आने जो बार्ता दौरान आ महात्मा गांधी देखने से ओलिकी फुलमाला देवाई आग्रह प्रकाश कर तेणु आम भारतीय हिसाब से आम उत्साहित करा दरकार। तेणु आम उत्साहित करने ये गैदरिंग होकर आम सांगसाथी मिसिक उत्साहित कर आमर किसी मूल दायित्व गुरु दायित्व अच्छी आम सब समय जो मैंने मानने भल कम आग्रह प्रकाश करेंगे उत्साहित।